गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वीडियो पार्ट थ्री ऑफ क्लास एट्थ इंग्लिश एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड एक्टिविटी नंबर फोर एंड वी विल सॉल्व एक्टिविटी नंबर फाइव टू. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर फोर एंड इट इज़ वाटर डांस पार्ट टू एंड वी हैव ऑलरेडी रीड इन एक्टिविटी टू वाटर डांस पार्ट वन. सो लेट्स स्टार्ट वाटर डांस पार्ट टू. आई एम द मिस्ट, मैं मिस्ट हूँ. मिस्ट था जो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं, वो ढेर सारी जब पानी की बूंदें जो हैं ज़मीन के आसपास, आपने ठंडी के टाइम पर आपने देखा होगा, कोहरा देखा होगा, तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, मतलब ढेर सारी बूंदें जो है मिलके बादल क्लाउड बनाते हैं और जो ज़मीन के नीचे होता है, हमारे अर्थ के पास होता है, इसलिए हमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं. तो वो जो मिस्ट होता है वो भी एक प्रकार का बादल ही है, लेकिन वो कहाँ बनता है, हमारे पृथ्वी पर ही बनता है, तो उसे को हम मिस्ट कहते हैं. तो आगे चलते हैं. इन थाउजेंड ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबो द अर्थ इन द ब्लू स्काई आई फ्लोट आई ड्रिफ्ट आई एम द क्लाउड. इन थाउजेंड ऑफ शेप्स, आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स और डिजाइंस होते हैं. कई कई शेप्स तो हमें कुछ जानवरों की तरह भी दिखाई देते हैं, कई कई शेप्स हमें कोई बिल्डिंग्स की तरह दिखाई देती हैं. तो ऐसे अलग अलग शेप्स जो हैं वो जो है बादल जो है क्लाउड जो है वो बनाते हैं अलग अलग शेप्स में. आई रीअपियर, मैं वापस दिखाई देता हूँ. हाई अबो द अर्थ इन द ब्लू स्काई, अर्थ से एकदम ऊपर ब्लू स्काई में, आसमान में जो है मैं वापस से अलग अलग शेप्स में दिखाई देता हूँ. आई फ्लोट, मैं तैरता हूँ. आपने देखा होगा कि बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको तैरना कहा गया है यहाँ पर. आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब बहुत तेज़ी से तैरना, मतलब तेज़ी से छलांग लगाना. तो कभी कभी हवाएं तेज होती हैं तो बादल बहुत तेज़ी से जो है चलते हैं. आई एम द क्लाउड, मैं जो हूँ बादल हूँ. तो आगे चलते हैं. कैरिड बाई विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज आई मूव ग्रोइंग हैवियर ग्रोइंग डार्कर एंड रिटर्निंग. कैरिड बाई विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज मतलब समुद्र होते हैं. आपने समुद्र में जो है ना तेज हवाएं चलती हैं, तो डिस्टेंस सी मतलब जो बहुत बड़े समुद्र बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं और उन हवाओं की वजह से जो है जो बादल हैं ये बादल जो हैं खूब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं. आई मूव, मैं आगे बढ़ता हूँ. ग्रोइंग हैवियर और ज़्यादा और सारी ढेर सारी बूंदें जो हैं मुझ में आके मिलती हैं अलग अलग चीज से, तो मैं और हैवियर भारी हो जाता हूँ, मीन्स बड़ा हो जाता हूँ. एंड ग्रोइंग डार्कर, और डार्क हो जाता हूँ. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पानी होगा जिस बादल में, तो वहाँ पर वो बादल जो क्लाउड जो होगा वो डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा. एंड रिटर्निंग आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, मतलब मैं तूफान के पहले, स्टॉर्म फ्रंट मतलब तूफान के पहले आने वाला बादल हूँ. जो काले काले बादल आप देखते हो उसके कुछ देर बाद जो है तूफान आता है, तो तूफान के आने के पहले वाला बादल हूँ, जिस जो बहुत हैवियर है, बहुत डार्कर है. तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप एज ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर्स इन द डार्कन्ड स्काई आई एम द थंडर हेड. एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, राइज अप मतलब मैं जो है मेरा उदय होता है, मैं उठता हूँ. कहाँ से? माउंटेन्स की दीवारों से. वॉल्स मतलब दीवार होता है, माउंटेन्स मतलब पर्वतों की दीवारों से मैं उठता हूँ. एज किस तरह उठता हूँ? एज ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर्स इन द डार्कन स्काई. आप देखोगे पहाड़ों के पास या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पास जो है आपको काले बादल दिखेंगे, काले बादल से जो है एक बिजली चमकती हुई दिखाई देगी. तो वो जो काले बादल हैं जहाँ से बिजली चमकती, तो आपको एक टावर की तरह दिखाई देता है, कि जिससे कि मान लो एक टावर ऐसे खड़ा है टावर, और यहाँ पर जो है सबसे ऊपर के साइड में जो है वो क्लाउड है जो एकदम डार्क है, जो पूरे स्काई को जो है वो अंधेरा कर देता है, पूरा आसमान जो है हमारा जो है डार्क हो जाता है.
उसके बाद जो है बिजली बिजली आती है, बिजली चमकती है, ठीक है। तो ग्लीमिंग मीन्स बिजली का चमकना, ठीक है। तो चमकदार जो है टावर्स की तरह दिखाई देते हैं। आप जब कोई बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग देखोगे या माउंटेंस देखो, तो वहाँ पर आपको एक टावर दिखाई देगा। जो कैसा टावर होगा? जो बिजली वाला टावर होगा। वो घर की बिजली की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो आकाश से जो बिजली गिरती है बादलों से। तो आई एम द थंडर हेड, तो मैं जो बिजली बिजली आने के पहले वाले जो बिजली गिरती है उसके उसका जो हेड हूँ, एक प्रकार का सिर हूँ समझ लो। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये सिर है और यहाँ से जो है बिजली गिर रही है एक टावर की तरह, एक टावर बनाया है इसने, एक खम्बा, टावर मीन्स खम्बे की तरह लग रही है। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग। मैं जो हूँ, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड जो है एज अ वर्ब लिया गया है। तो हम ब्लाइंड, यहाँ पे ब्लाइंड मतलब अंधेरा कर देना। मैं जो हूँ पूरा अपनी लाइट से जो है पूरा आसमान जो है वो अंधेरा कर देता हूँ। द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर, है ना, मेरी आवाज़ से, मेरी तूफान से जो है पूरा अर्थ जो है वो ट्रेम्बल करने लगता है, मीन्स कांपने लगता है। आई रेज, मैं गुस्सा करता हूँ, क्रोधित होता हूँ। आई ड्रेंस द माउंटेन साइड, मैं माउंटेन साइड को, मीन्स जो पर्वत का एरिया होता है, पर्वत साइड होते हैं, जो पर्वत का एरिया है, मैं उनको ड्रेंच कर देता हूँ। ड्रेंच मतलब भिगा देता हूँ उनको मैं। आई एम द स्टॉर्म, मैं तूफानी बारिश हूँ। स्टॉर्म्स कम एंड स्टॉर्म्स पास, मतलब तूफानी बारिश आती है और जाती है, मीन्स बरसात आती है और जाती है। आई एम द काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, मैं जो हूँ काउंटलेस, जिसको गिन नहीं सकते, मैं जो है बरसात की जो गिन नहीं सकते ऐसी बूंदे हूँ मैं। लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, है ना, बरसात आने और जाने के बाद जो है कुछ बूंदे जो है ना वो बची रह जाती हैं आकाश में और वो फ्लोट करती रहती हैं। और अचानक से जो है सूरज आ जाता है, है ना, सन जो है, सन आता है, और जब उसकी लाइट जो उस पर पड़ती है ना, उस ड्रॉपलेट्स पे, छोटी छोटी बूंदें जो हैं बरसात के बाद जो है स्काई में रह जाती हैं, तो पानी की बूंदें जब, छोटी छोटी बूंदें जब आकाश में रहती हैं, तो उस टाइम में अचानक से जब सूरज आ जाए, तो सूरज की जो रोशनी है, जो सन लाइट है ना, वो इस पर पड़ती है और यहाँ से जो है अंदर की ओर जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो है ना टोटल सेवन कलर्स में रिफ्लेक्शन होता है इसका, और यहीं पर जो है ना रेनबो फॉर्म होता है। और तो लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, जो शांत हवा में, जहाँ पर जब हवा नहीं होती है, केवल अचानक से सन आ जाए स्काई में। आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, तो जब सन की जो लाइट है वो इस ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो सेवन कलर्स में फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग जो है रेनबो कहते हैं। आई एम द रेनबो। आई एम वन थिंग, मैं एक चीज़ हूँ, मीन्स ये सारी जो आपने अलग अलग डिफरेंट नेम्स देखे, वो सभी नेम जो है वाटर के हैं। आई एम मैनी थिंग्स, तो आपने डिफरेंट नेम्स देखे, उसको उसने मैनी थिंग्स कहा है। मीन्स हमने पहले रेन देखा, फिर लेक देखा, रिवर देखा, सीज देखा, मिस्ट, थंडर हेड, थंड स्टॉर्म, और फिर बाद में लास्ट में मैंने रेनबो बताया आपको। तो ये सभी जो है वाटर के नेम हैं, ऑल डिफरेंट। आई एम वाटर, मैं पानी हूँ। दिस इज माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड, तो ये मेरा डांस है पूरी दुनिया में, जो है अलग अलग नाम से मुझे बुलाया जाता है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय थॉमस लोकर। सो दैट इज़ द एंड ऑफ वाटर डांस पार्ट टू, एंड यू कैन सी द ग्लोसरी। इन द ग्लोसरी यू कैन सी सम हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन। नाउ वी विल डू एक्टिविटी नंबर 5, सो लेट्स सी इट। इन एक्टिविटी नंबर 5 वी हैव टू एक्सप्लेन आई एम वन थिंग एंड आई एम मैनी थिंग। आपको ये एक्सप्लेन करना है, समझाना है इस लाइन को। आई एम वन थिंग, मैं एक चीज़ हूँ, एंड आई एम मैनी थिंग, मैं ढेर सारी भी चीज़ हूँ। तो वन थिंग मीन्स वाटर को बताया जा रहा है कि मैं वाटर ही हूँ,
और मुझे अलग अलग नामों से जो है, मेरे अलग अलग नाम हैं, मुझे अलग अलग नामों से जाना जाता है. एंड वी हैव ऑलरेडी रीड इन दिस पोएम इन वाटर डांस पार्ट वन एंड वाटर डांस पार्ट टू. वी हैव सीन द डिफरेंट नेम ऑफ वाटर लाइक रेन, स्ट्रीम, वाटरफॉल, लेक, रिवर, सी, मिस्ट, स्टॉर्म फ्रंट, थंडर हेड, स्टॉर्म एंड रेनबो. सो राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम वीडियो पार्ट थ्री. थैंक यू.